वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के अध्यक्ष दीपक द्विवेदी ने शासन द्वारा चलाए जा रहे वरासत अभियान और स्वामित्व योजना की समीक्षा की और कार्यों का तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। गोरखपुर के आयुक्त सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिलाधिकारी के विजयन पांडियन, अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी, एडीएम फाइनेंस राजेश सिंह, एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, सीआरओ चंद्रशेखर मिश्रा सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राजस्व परिषद के अध्यक्ष दीपक द्विवेदी ने प्रदेश सरकार के द्वारा जारी वरासत अभियान के संबंध में कहा कि 2 महीनों में इसको पूरा करने का लक्ष्य है। उन्होंने सभी जिलों से इसके कार्य की चर्चा तथा स्वामित्व योजना के कार्यो के बारे में जानकारी ली तथा तेजी लाने के निर्देश दिए। तीन दिन में हम तो इसको कंप्लीट करवा लेंगे सर। हमने 11 कारों को 15 जिला क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शाम को 5 बजे प्रत्येक दिन इसकी इस डिस्पोजल और इस परसेंटेज की सूचना शासन स्तर पर भी जाती है और वहाँ भी इसको रिव्यू कर रहे हैं ऑनरेबल सीएम ऑफिस पर भी। सर नेक्स्ट इज प्रयागराज 21.63% पेंडेंसी। सर पंडाल तो लगा हुआ ही है, पंडाल में करवा लेंगे। गवर्नर मैडम का कार्यक्रम था सर कल, थोड़ा सा 2 दिन से हम ध्यान नहीं दे पाए सर, उसमें टेंडेंसी थोड़ा बढ़ गई है और आगे से बिल्कुल नहीं। इसके अलावा दर्ज करें और निस्तारण करें और बोर्ड से भी आपको बाय ईमेल यहाँ पे हेल्पलाइन पे भी मिलते हैं हमारे को एप्लीकेशंस और बाय ईमेल भी मिलती है जो कि आपको सबको फॉरवर्ड किए जाते हैं कंसर्न जिलों को, तो वो भी इंश्योर कराना है कि जो बोर्ड से भी जो प्रेषित किए जाते हैं वो तत्काल उनका भी दर्ज कराना और निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। और सर ये भी रिक्वेस्ट सबसे है कि ये ऑनगोइंग प्रक्रिया है और इसके बाद भी अगर जो भी आते हैं अगर 31 दिसंबर के बाद भी अगर कोई मिलते हैं वो भी दर्ज करेंगे और वही 7 डेज की टाइम लिमिट के अंदर अंदर वो सारा उसका निस्तारण करना स्टेट वाइज वो कंप्लीट इंश्योर करेंगे सर। ये बड़ी गंभीर बात है, इसका मतलब कि आवेदन पत्र को सही ढंग से भरा नहीं गया या उसमें कोई कमी थी। फिर भी अगर राजस्व निरीक्षक ये निर्धारित नहीं कर पाता है कि मृतक का असली उत्तराधिकारी कौन है तो उसे वो तहसीलदार को निर्धारित कर देगा, ना कि उस प्रार्थना पत्र को निरस्त करेगा, तो इस पर ध्यान देने की बात है। जो समय सीमा के उपरांत लंबित थे उनकी समीक्षा की, तो टॉप 10 जिले के लिए सर ने और मैम ने डिस्कस किया, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि सभी जिले अपना प्रतिशत निकाल लें और इसको शून्य करना सुनिश्चित करें क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रतिदिन प्रति जिले की एक एक एंट्री को देखा जा रहा है, आपके अगर लंबित होगा तो ये दिक्कत कर सकता है। इसके अतिरिक्त इस वीसी के बाद अगली जो भी वीसी होगी और कल से हम लोग आरआई स्तर पे जो समय सीमा के उपरांत लंबित होंगे उनकी भी समीक्षा करेंगे, तो सभी नोडल एडीएम्स जो वहां बनाए गए वो ये सुनिश्चित कर ले कि आरआई स्तर पे भी समय सीमा के उपरांत लंबित ना रहे। तो अर्पण के आगे असहमत करके आप अर्पण नीचे ऐड कर देंगे, वो आगे अर्पण प्रोसीड करेगा, अर्पण और प्रोसीड नहीं करेगा या वो एंट्री उनको गलत लग रही है तो उसको असहमत कर दे और उसके नीचे ऐड करके नई सही एंट्री उसके स्थान पर भर दे, तो सही एंट्री आगे जाएगी ऑर्डर में और गलत।